दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Canon EOS 200D Mark II का, जो नया कैमरा आया है टू लेंस के साथ नए किट में। और आप भी देख सकते हैं यहाँ पे Canon प्रोवाइड कर रहा है टू लेंसेस EFS 1855 एंड आपको इसी किट में मिलेगा 55-250 जूम लेंस। दोस्तों इस कैमरे के बारे में अगर हम बात करें Canon EOS 200D Mark II का प्राइस के बारे में, तो ये Amazon पे Flipkart पे आपको अवेलेबल मिलेगा और भी सारी कंपनियों में डायरेक्ट आप परचेस करते हैं। इसका MRP है 65,995 रुपीज़, आपको वो डिस्काउंट में भी मिलेगा और अलग अलग ऑफर में भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर जहाँ तक इसकी क्वालिटी की बात किया जाए तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा Canon ने तैयार किया है। 4K में आप शूट कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो और ये मेड इन ताइवान है। HDMI, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलेगा और ISO कैमरे में है 25,600 और वीडियो कैमरे के लिए यहाँ पर फीचर्स है 12,800 और यहाँ पर डबल पिक्सल्स का आपको AF मिलेगा और 4K का कैमरा आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए और वेरी एंगल LCD को यूज़ कर सकते हैं। है वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। हम लोग इसका ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा मैनुअल बुक, जो आप बहुत ही यूज़फुल, इसके फ्यूचर्स के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा डिटेल में दिया गया है और आप इसको पढ़कर ऑपरेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ हमें मिलेगा वारंटी कार्ड्स, डिटेल्स, सबसे पहले हम जो कैमरे के अंदर इनबिल्ट होता है बैटरी और साथ ही इसी के साथ बैटरी के लिए चार्जर, यह है 100 वोल्ट एंड 240 वोल्ट का 15 वाट का चार्जर है, चार्जिंग केबल। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलेगा लेंस, जो बेसिक लेंस है 18-55 बेसिक लेंस, जो आप पोर्ट्रेट के लिए और लैंडस्केप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है जो बेसिक लेंस है और यहाँ पे आप कवर दिया गया है लेंस का 18-55 जूमिंग लेंस। हैंड स्टेबलाइजर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, अपर्चर ऑन ऑफ के लिए मैनुअल के लिए आपको स्विच दिया गया है, स्विच एंड स्विच ऑफ के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ Canon ने किया है यहाँ पर, जो प्रोटेक्टिव लेंस जहाँ पे इनबिल्ट है, इसमें डस्ट जाने से प्रोटेक्शन करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे लेयर्स दिया हैं। बड़ा वाला लेंस जो इसी किट के अंदर अवेलेबल है, आप यहां पर देख सकते हैं Canon का जो लेटेस्ट जूम इन जूमिंग के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, फोटोग्राफी के लिए आपको बहुत ही यूज़फुल लेंस आपको मिलेगा 55-250 जूम लेंस। और यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रो 0.85 mm का होता है, यहां पे अपर्चर का ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है, स्टेबलाइजर ऑन ऑफ के लिए, जहाँ पर आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ कैमरा आ गया है और आप यहां पर देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर EOS 200D Mark II। दोस्तों फिर इसको मैं आपको ऑपरेट करके बताऊंगा, इंस्टॉल करके बताऊंगा। उससे पहले
बॉक्स में क्या क्या है और सारी जानकारी हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पर बेल्ट दिया गया है कैमरे का कैनन। दोस्तों कैनन ईओएस 200D मार्क टू का फीचर्स के बारे में हम जानेंगे और इसके सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं इसके सारे बॉडी पार्ट्स का, जहां जहां पर ये सारे डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं लेंस, और यहां पर आप छोटा सा बटन देख रहे हैं जो मोमेंट करता है। यहाँ पर लेंस लॉक पिन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाइट वाला जो मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे EFS लेंस माउंट इंडेक्स है। यहाँ पर EF लेंस माउंट इंडेक्स है। इनसाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे का जो मिरर है, ये है लेंस रिलीज बटन, जहाँ से हम लेंस को रिलीज कर लेते हैं। दूसरा लेंस लगाने के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा। इस साइड आप जो देख रहे हैं गोल्डन कलर्स के जो पिन दिखाई दे रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट्स हैं जो लेंस और कैमरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ऑपरेट करने के लिए। तो ये था फ्रंट साइड का व्यू। और कैमरे के ऊपर की साइड में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में मिलता है हमें शटर बटन। फोटोज़ एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर प्रेस करके हम इसे रखते हैं। और इसी तरह से मेन डेल है यहाँ पर, जहाँ पर सेटिंग्स किया जाता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो जहाँ पे मैंने बेल्ट को लगाया है, ये है स्ट्रेप्स माउंट, जहाँ से हम कैमरे का बेल्ट को लगाते हैं। दोनों साइड में आप देख सकते हैं इस साइड, और कैमरे के दोनों ओर यहाँ पर जो छोटा सा होल आपको दिखाई दे रहा है इधर राइट में और लेफ्ट में, ये माइक्रोफोन है। और यहाँ पर ऊपर की ओर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लैश है जिसे आप पॉप ऑन पॉप ऑफ कर सकते हैं, बहुत इजी से ऑटोमेटिकली होता है इसे। इसके लिए आपको किसी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर दिया गया है कैनन में फ्लैश के लिए। और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होल दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे जो 9 होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्पीकर है। और इसी के बाजू में आप एक मार्क देख सकते हैं, ये है फोकल प्लान मार्क। ठीक इसी कैमरे के राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए एंड रिमोट कंट्रोल के लिए पिन्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर आप देख रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल टर्मिनल है, छोटा सा होल दिखाई दे रहा है आपको। और ठीक उसी के नीचे साइड है एक्सटर्नल माइक्रोफोन इन टर्मिनल है, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन लगा के आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसी कैमरे के ठीक नीचे की यहाँ पे ट्राइपॉड का सॉकेट है। राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे है कार्ड ओपन कर, यहाँ से हमें ओपन करना है। और कार्ड स्लॉट, बैटरी कंपार्टमेंट, कवर, लॉक यहीं पे होगा। और इसी कैमरे के बैक साइड में जहाँ पे हमें ऑपरेट करने का मेन पार्ट, कैनन ने स्पेशल डिज़ाइन किया है इस मैट फिनिशिंग वाले जो टच स्क्रीन का जो पैनल है यहाँ पे, इसको हमें इधर से ओपन करना होता है। और यहाँ से हम इसको टर्न करते हुए मूव शूटिंग कर सकते हैं। थ्री सिक्सटी डिग्री में आप इसको रोटेट करते हुए फिर यहाँ पे आप प्रेस करके टच स्क्रीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी में लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है मेन्यू बटन, इन्फो, और यहाँ पे स्पेशल डिज़ाइन किया गया है आई प्रोटेक्शन के लिए आई कप। और यहाँ पे व्यू फाइंडर है, हॉट शो है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डॉट डॉट्स, ये है फ्लैश कॉन्टैक्ट्स। आई कप के ऊपर जो आप छोटा सा रिंग देख रहे हैं, इसे कहते हैं डिओप्टिक एडजस्टमेंट नॉब। और ऊपर की ओर देख रहे हैं आप मोड डायल, जहाँ से हमें मोड चेंज करते हैं टीवी एवी एंड एम में, इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ISO का बटन दिया गया है, डेन डिस्प्ले का। यहाँ पर जो आप रेड डॉट देख रहे हैं, इसके बिल्कुल बाजू में ही एक बटन दिया गया है, और यहाँ से हम शूटिंग करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, इसको प्रेस करके रखते हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपर्चर का एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन दिया गया है, AF पॉइंट सेलेक्शन दिया गया है, और नीचे की ओर आप देख सकते हैं AE लॉक FE लॉक दिया गया है। इस रिंग के बीच में जो देख रहे हैं यहाँ पे क्विक सेट बटन दिया गया है, और इसके जो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं क्रॉस कीस राइट लेफ्ट के लिए, आपको डाउन के लिए। एक्सेस लैंप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और सिंगल इमेज एरेस के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करना होता है, और प्ले बटन के लिए इसी के बाजू में जो दिया गया है मूवी प्ले करके या इमेजेस को हम देख सकते हैं। दोस्तों ये था कैनन के पार्ट्स, और इसके बाद हम लेंस को फिट कर देंगे, यहाँ से सेट कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये जो आप डॉट देख रहे हैं स्क्वायर वाइट वाला डॉट, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे भी एक वाइट डॉट दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर, तो इसको मैच करते हुए हमें इस तरह से रखते हुए घुमाना है, हल्के से इसको घुमा देना है, और यहाँ पर जब वाइट डॉट आ जाएगा हमारा बटन के करीब में, यहाँ से हमारा लेंस जो है लॉक हो चुका है। और लेंस इरेज करने के लिए, बदलने के लिए फिर से हमें इसी बटन को यहाँ पर प्रेस करना है, और जो हमने लेंस लगाया था 1855 उसको हम इरेज कर लेंगे इस तरह से, और दूसरा लेंस इसमें लगा देंगे। जगह हम लेंस को चेंज करेंगे 55-250 वाला, इससे पहले हम इसे यहाँ से इस कैप को रिमूव करना है, और ठीक उसी तरह से जैसा हमने छोटा लेंस लगाया था, यहाँ पे जो आप मार्क देख रहे हैं वाइट मार्क और कैमरे का जो मार्क है इसके साथ यहाँ पे हमें जोड़ना है, और हल्के से इस स्क्वायर बॉक्स को मार्क को यहाँ तक लाना है इरेज बटन तक। यहाँ से बैटरी को डाल देंगे, टाइम सेट कर लेंगे, सारा टच स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम डेट कंट्री लोकेशन सब कुछ डाल सकते हैं। कैनन EOS 200D Mark II के मोड डायल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेंगे, और इसके बाद हम पी मोड में देखेंगे। यहाँ पर जो डार्क ब्राइटर जो स्पेस दिया गया है ऑटो मोड पे रखते हुए इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि स्कैन इंटेलिजेंट ऑटो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, आप टच स्क्रीन के ज़रिए सब कुछ सेट कर सकते हैं। स्कैनिंग मोड पे हम रख के देखते हैं, स्कैनिंग में स्पेशल स्कैनिंग मोड यहाँ पर दिया गया है, आप टच स्क्रीन के ज़रिए आप किसी भी तरह से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टीवी मोड में अगर रख के देखते हैं, टीवी मोड में इस तरह से आपको सेटिंग्स मिलेंगे, फ्लोइंग एंड फ्रोजन का सेटिंग्स। मैनुअल पे हम रख कर देखें तो इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं मैनुअल एक्सपोजर। क्रिएटिव फिल्टर्स के ऊपर रख कर देखेंगे, क्रिएटिव फिल्टर्स में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिटेल्स दिया गया है इसके अंदर, और एक ऐड किया है कैनन ने यहाँ पे मेन्यू में जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूटिंग सेटिंग्स के लिए दिया गया है, देन यहाँ पर प्लेबैक सेटिंग्स है, और वायरलेस सेटिंग्स के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई के लिए दिया गया है, और यहाँ पर आप फंक्शनल सेटिंग्स कर सकते हैं, देन डिस्प्ले लेवल सेटिंग्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, और बिगिनर्स के लिए यहाँ पर सेटिंग्स दिया गया है ग्रेनी ब्लैक एंड वाइट एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए। यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर्स को अपने हिसाब से। कैनन EOS 200D Mark II में आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें यहाँ पर जो
ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ पे हमें वीडियो मोड में रखना है, वीडियो मोड में स्विच ऑन करना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस यहाँ से हमारा वीडियोग्राफी होगा। तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे तब यहाँ पे RC रिकॉर्डिंग का मोड चालू हो जाएगा। आप इसके हिसाब से जूम इन जूम आउट कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी का वीडियो इसमें हम ले सकते हैं। आप देखिए कितनी क्लियर इमेज इसमें दिखाई दे रही है रिकॉर्डिंग मोड में। इसको ऑफ करने के लिए फिर हम यही बटन को फिर से हम लोग प्रेस कर देंगे तब ये ऑफ हो जाएगा। आफ्टर द रिकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है कि हमारा वीडियो किस तरह से शूट हुआ है। और यहाँ पर टच स्क्रीन है, अब हम यहाँ पर प्ले कर देंगे।